श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद वाइस चेयरमैन साहब। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। ये जो आर्म्स एक्ट है, इसमें कई बार संशोधन हुए हैं और जो आर्म्स रखने की अब जो संख्या है उसको भी कम कर दिया गया है। लेकिन इसमें मैं दो तीन बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। जो आर्म्स लोगों को दिए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो एम्यूनिशन दिया जा रहा है, तो एम्यूनिशंस का कोई आज की तारीख में सब जगह आप देखते हैं लिखा रहता है कि कितने दिनों तक कोई चल सकता है, उसका एक्सपायरी पीरियड रहता है। लेकिन यहाँ जितने भी एम्यूनिशंस इस लाइसेंस में दिए जाते हैं, चाहे वो 12 बोर को हो, 350 जितने भी हैं, उसमें किसी में भी एक्सपायरी नहीं रहता। एक तो वो, तो उसमें इस चीज़ को लिखना चाहिए कि कब तक उसका यूज हो सकता है, जो एम्यूनिशंस होता है उसमें। दूसरी बात ये होती है कि आप किसी को गन देते हैं, तो गन की क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, गन में सुरक्षा के क्या क्या और चीज़ होनी चाहिए, इसकी भी ब्रीफिंग होनी चाहिए और साथ साथ गन के बारे में विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि आप गन का लाइसेंस अपनी सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, आप गन की सेफ्टी को जानते नहीं, सुरक्षा को समझते नहीं, तो खुद 302 के मुलजिम बनते हैं या आपके पास वाले कोई 302 के मुलजिम बनते हैं। एक तो अच्छा काम किया कि अपने सेलिब्रिटरी फाइट्स को ख़त्म किया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सब लोगों को बताया जाए जब आर्म्स दिया जाए, और हर एक ज़िले में राइफल क्लब होते हैं, वो ये जिम्मेवारी कर सकते हैं। और बत साहब बता रहे थे कि जिनको हम लाइसेंस दें उनकी ट्रेनिंग भी जरूर दी जाए हैंडलिंग के बारे में। एक तो ये ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत ज़रूरी है कि जैसे अभी आपने तीन आर्म्स से दो आर्म्स किए हैं, बहुत सारे आर्म्स आपके सरप्लस होंगे। अभी बता रहे थे प्रसन्नाचार्य जी कि इसको डीलर के पास क्यों देते हैं, व्यवस्था ऐसी शुरू से आ रही है। तो ये जो वेपन्स आपके पास आएंगे थाने में कहाँ रखेंगे? पहले जाइए थानों में, उनका जो मालखाना है ऐसा पड़ा हुआ कुछ जगह ही नहीं। तो जो ये वेपन्स आपके एक्स्ट्रा होंगे उनके डिस्पोजल का क्या होगा? साथ ही जब ये व्यवस्था बना रहे हैं तो पब्लिक के लिए इसकी पूरी पब्लिसिटी होनी चाहिए कि अगर आपके पास तीन फायर आर्म्स है तो आपको क्या करना चाहिए। उनको ये सलाह भी दी जानी चाहिए कि उसको बेचना चाहें तो बेच दें, कोई अपराध तो किया नहीं कि उन्होंने तीन लाइसेंस रख रखा है। तो इसके डिस्पोजल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी चीज़ आपने किया है कि कुछ में आपने इसमें जो सेंटेंस पढ़ाएं, और साथ साथ आप वकील खुद हैं, आर्म्स एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें अगर ठीक से समय पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल जाए, और इसमें कोई प्राइवेट गवाह नहीं होता है, सिर्फ सरकारी गवाह होते हैं वो भी पुलिस वाले, और जितने अपराधी हैं वो सबसे ज़्यादा डरते किसी से हैं तो आर्म्स एक्ट से, क्योंकि आर्म्स एक्ट में आपने बना दिया है कि अब 3 साल से ज़्यादा सजा भी होगी। तो सजा आर्म्स एक्ट में अगर स्पीडी ट्रायल कराएंगे जैसा हम लोगों ने बिहार में कराया था, तो बहुत सारे अपराधी आपके बहुत कम सीमा में उनकी सजा हो जाएगी, और कम से कम जो राजनीति में अपराधीकरण की बात होती है इनके आने पर रोक लग जाएगी। तो स्पीडी ट्रायल इसमें कराना चाहिए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखना चाहिए कि आखिर आर्म्स हम लोग देते क्यों? आर्म्स हम इसलिए देते हैं कि जिनके पास असुरक्षा की भावना रहते हैं। बता रहे थे हमारे एक मित्र की बहुत दूर दूर के इलाके हैं, वहाँ सब जगह हम पुलिस नहीं दे सकते हैं, तो जब हम आर्म्स देते हैं तो आप साथ साथ जब लाइसेंस में एम्यूनिशंस लिखते हैं, यूपी में मिनिमम 10 एक समय रख सकते हैं, मैक्सिमम 25। अब बताइए साहब अगर कोई आफत आएगी तो 10 क्या करेगा, वो जान रहा है डकैत किसके पास 10 ही कारतूस है। तो इसलिए हम लोग अगर लिखते हैं तो 10 से 25 लिखिए, इसे कि वो 10 से 25 का रखे, और साथ साथ ये भी एक स्टैंडर्ड हो जाना चाहिए। कहीं पर जाइएगा तो मैक्सिमम 250 मिलेगा, कहीं जाइएगा 25 मिलेगा, इसमें भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और चूंकि वेपन्स की संख्या आप कमा रहे हैं तो एम्यूनिशंस आप पर्याप्त दीजिए जिससे कि वो सुरक्षित रख सके। इस आर्म्स एक्ट का मैं समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।